इस लेसन में हम एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है y into dx plus x into dy is equal to 0. देखें इस dy को y के साथ होना चाहिए और x को dx के साथ होना चाहिए. क्वेश्चन सिंपल है, स्टार्ट करते हैं. पहले क्या करती हूँ मैं, y dx लिखें आप और is equal to इस टर्म को हम यहाँ ले जाते हैं राइट साइड पे, तो ये माइनस x into dy हो जाएगा. राइट, अब क्या है, ये dx है तो इस को यहाँ होना चाहिए, ये ऐसे हो जाएगा dx और ये माइनस x है, ये आप यहाँ ले आए, माइनस को भी रहने देते हैं, x को हम यहाँ ले आते हैं और माइनस dy और इस y को हम राइट साइड पे ले गए तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के ये डिवाइड हो जाएगा. सिंपल हो गया क्वेश्चन. अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं. राइट, माइनस को चले हम बाहर रहने दें, तो ये क्या हो जाएगा x और इसका देखें नीचे है ये, ऊपर नहीं है. अगर ये ऊपर होता तो पावर रूल होता. अब ये 1 ओवर x है तो इट मींस नेचुरल हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल टू माइनस, सेम ये y डिनोमिनेटर में है तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y, और दोनों नेचुरल लॉग में है तो हम c को भी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी ऐसे कर लेते हैं. अब क्या है नेक्स्ट स्टेप में, यहां से एक और तरीका भी अप्लाई होगा, दोनों में करके दिखा देती हूँ आपको. ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, अगर हम इसको अरेंज कर लें तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ c माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y. राइट, ऐसे हो जाएगा, इसको हमने अरेंज कर लिया सिंपल. और अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये माइनस है दोनों के बीच में, और जब माइनस होता है तो क्या हो जाता है, नेचुरल लॉग एक दफा लिखेंगे और जो भी इसके साथ है वो डिवाइड हो जाएगा. प्लस होगा तो मल्टीप्लाई होता है, माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा, तो c ओवर y हो जाएगा. अब इनका हम एक्सपोनेंट ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा e नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल टू e और नेचुरल लॉग ऑफ c ओवर y, ऐसे आपके पास हो गया. ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, x हमारे पास हो गया c ओवर y, और हम कह सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि x y इज इक्वल टू c, ये आपका आंसर हो गया. राइट, ये आपका यहाँ पे हो गया. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन यहाँ से हम इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. यहाँ तक तो आपने सेम करना है नेचुरल लॉग ऑफ सी से, यहाँ से मैं आगे आपको बताती हूँ कि क्या हो जाएगा. यहाँ पे मैं ऐसे कर देती हूँ, तो यहाँ से ये ऐसे है, या आप इसको कंटिन्यू करके यहाँ तक कर लें, यहाँ यहाँ से एक दूसरा तरीका हो जाएगा. क्या होगा, बहुत ये भी बहुत सिंपल है कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू ये माइनस है, देखिए नेचुरल लॉग से पहले माइनस है, और जब माइनस होता है तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये उसकी पावर बन जाती है, ये माइनस वन हो जाएगा, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी, ये ऐसे हो गया. अब क्या हो जाएगा, ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, अब इन दोनों में प्लस है, देखिए यहां माइनस था तो हमने डिवाइड किया था, अब इन दोनों में प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ वाई रेज टू पावर माइनस वन और मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू सी, c से मल्टीप्लाई हो गया. अब हम इसकी ले लेते हैं पावर, ये नेचुरल लॉग ये बन जाएगा e नेचुरल लॉग ऑफ माइनस वन इंटू c, नेचुरल लॉग से ये कट गया, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास रह गया x इज इक्वल टू y रेज टू पावर माइनस वन इंटू c, यहाँ पे कर देती हूँ, विच इम्प्लाइज दैट x ये इसकी रेज टू पावर माइनस वन है, इट मीन्स कि ये नीचे जाके प्लस हो जाएगी और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x y is equal to c, वही जो हमारा इस तरीके से आंसर आया, सेम आंसर यहां से भी आ सकता है. जो भी तरीका आप यूज करें प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आया पूछिए, साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया.